नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडूला। देश में बैंक और लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ललित मोदी से लेकर नीरव मोदी तक करोड़ों की हेराफेरी कर देश से बाहर चले गए। वहीं देश के मशहूर रेल नगरी कानपुर में भी करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां पर हीरा कारोबारी उदय देसाई के दफ्तर में सीबीआई ने रेड डाली है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रमन गुप्ता। तो चलिए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी रमन जी, जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से हीरा कारोबारी उदय देसाई के जो घर दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ी, इस पे क्या कुछ अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिराना रोड पे एक उदय देसाई नाम की कारोबारी है, जिनका कई प्रकार का व्यापार है, हीरा कारोबारी है। आज दिल्ली से सीबीआई की टीम आई थी, जिन्होंने इनके ऑफिस में छापेमारी की है, लेकिन अभी मीडिया से कोई भी बात नहीं की है और अभी भी जांच पड़ताल जारी है। सीबीआई की कई बड़े अधिकारी मौजूद है इस ऑफिस के अंदर और कारोबारी से पूछताछ की जा रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं और बैंकों से धोखाधड़ी का भी मामला सामने आया है, जिसकी जांच पड़ताल में सीबीआई की पूरी टीम लगी हुई है। इस पर अभी फिलहाल कुछ अपडेट पुलिस के द्वारा या सीबीआई के द्वारा कोई भी इस पे कोई मामला सामने नहीं आया है अभी तक? जी, अभी सीबीआई की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहने से बच रही है। मीडिया ने सवाल भी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और अभी बस जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, कागजात खंगाले जा रहे हैं, किन किन बैंकों से धोखा कड़ी गई है। उदय देसाई नाम के जो व्यापारी है, जो हीरा कारोबारी है, बॉम्बे से लेकर कानपुर तक इनका व्यापार फैला हुआ है। बम्बई में भी इनके कुछ ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी, अब कानपुर में सीबीआई ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की है और कागजात खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार किन किन बैंकों से इन्होंने धोखाधड़ी की है और क्या क्या घपलेबाजी की है, जिसकी जाँच सीबीआई कर रही है। कितने देर तक ये जांच चलने वाली है और कितनी देर से ये जांच चल रही है? करीबन एक से दो घंटे से ये जांच लगातार जारी है, लेकिन अभी सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो जांच करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। अभी करीबन दो से तीन घंटे भी हो सकते हैं, चार घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा मामला है, करीबन 5000 करोड़ रुपए का मामला है, तो अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है सीबीआई। और लगातार सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कई हजार करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, कई बैंकों से फ्रॉड का मामला है, जिसकी जांच लगातार सीबीआई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन गुप्ता, जिन्होंने बताया किस तरह से कानपुर में हीरा कारोबारी उदय देसाई के दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा है। कई हजारों करोड़ रुपए के घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर सीबीआई जो है वो लगातार उदय देसाई पर शिकंजा कस रही है और लगातार छानबीन कर रही है अपनी ओर से। बैंकों से भी काफी धोखाधड़ी का जो मामला है वो भी, उसके खिलाफ भी सीबीआई जो है वो उदय देसाई के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि इस कार्रवाई में सीबीआई को क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ अपडेट होती है हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।